पुलवामा जम्मू काश्मीर येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांच्या वाहन ताफ्यावर झालेल्या भ्याट दहशतवादी हल्ल्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन सुपुत्रांना वीरमरण प्राप्त झाले. त्यांच्या पार्थिवावर काल 16 फेब्रुवारी 2019 रोजी शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अंत्यसंस्काराच्या दुसऱ्या दिनी आमदार निलय नाईक यांनी पुण्यस्थळी अभिवादन केले तथा कुटुंबियांची भेट घेऊन सरकार आणि भारताची जनता आपल्या परिवाराच्या दुःखात सहभागी असल्याचा आणि प्रत्यक्षाने आपल्या सोबत असण्याचा विश्वासपूर्ण शब्द दिला. सागर पनाड, लोणार. शेण असो वीर मरण आईली, फक्त दुःख एकच कि वो बेशर गदार वो हरामखोर वो हलकत लोग जर हमार नीतिल रहते हम एक मंजूर देते तो नीतिल मंजूर एक ही नहीं जूतो को नहीं छोड़तो कि निश्चित पड़े मात्र एक गोरमाटी करण में ठाम पड़े बोल रोज होता और वो एक दुख हमार मन में रेवा था करण वन शेख कच की एक घाट हल्ला भी हो सर कतर तो भी अंधारा में रपड़ता नहीं और घातपात की दे सर ये जर एक मर्दवान वो रहते हम मंजूर देते तो ये काही लोक केलेलं एक असो कवी एक शायर केलेलं की एक दिया आपले पूजा के थाली में सजा लो यारो उन नौजवानों के लिए उन जवानों के लिए जिनकी सांसें थम गई हिंदुस्तान की रखवाली के लिए हिंदुस्तान की रखवाली के लिए और अपने नीति ने सम्माने में अपने वीर जवान ने सम्माने में अपने पूजा थड़ी में अपन भी एक दीवो बाड़ी शाम की अड़ी ना जगदम्बा अड़ी ना सेवा लाल हनु प्रार्थना करा कि हमें नीति ने सरी